हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल PS: It's Garima। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो। येस गाइज, आई नो मैं बहुत दिन से कोई भी मेकअप या हॉल वीडियो नहीं कर पा रही थी बिकॉज बहुत सारे रीजंस थे। मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी, कुहू की छुट्टियाँ पड़ गई थी, कभी मुझे दिल्ली जाना पड़ा, सोचा बहुत कुछ था बट हो नहीं पाया। चलो छोड़ो ये सब, अभी हम स्टार्ट करते हैं ये अपना हॉल वीडियो। और ये जो हॉल है ये सारे जो टॉप मैं आज आपको इस हॉल में दिखाने वाली हूँ, ये सभी मैंने मीशो से मंगाया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं मीशो बहुत ही अफोर्डेबल कपड़े मिलते हैं मीशो पे। सो वही मैं आपको सारे टॉप्स दिखाने वाली हूँ। और सारे जो टॉप है बहुत ही मॉडेस्ट हैं, बिल्कुल भी स्किन शो नहीं हो रहा उन सब टॉप में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो फर्स्ट टॉप है इस हॉल में वो है ये टॉप है, पेप्लम टॉप है। एंड यू कैन सी बहुत ही प्रिटी है ये टॉप। और इसका जो मटेरियल है वो क्रेप है। और इसका जो प्राइस है वो है 222 रुपये, यानी 222। और मैंने ये मंगाया था मीडियम साइज़ में। और ना मतलब वैसे देखने में काफ़ी स्टाइलिश है। देखो इसका स्लीव्स भी काफ़ी बेल स्लीव्स है, जैसे अभी बहुत ट्रेंड में भी है वाली स्लीव्स। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, जो इसका नेक है, मतलब जैसे पिक्चर में दिखाया है इसका नेक जो मॉडल को आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा ही शो होता है, लेकिन इसका नेक रियली में इतना डीप है कि आप इसमें कोई भी आपको या तो क्रॉप टॉप या कोई स्लिप या स्पेगेटी डाले बिना आप इसको पहन ही नहीं सकते, ठीक है। पूरा सब शो होता है, तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है। बट इसका लुक बहुत अच्छा है। पहले मैं देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी कि इसके नीचे मुझे कुछ पहनना पड़ेगा, बट मैंने इसको जब ब्लैक अपनी क्रॉप स्पेगेटी के साथ डाला तो वो काफ़ी अच्छा स्टाइलिश लुक भी आ रहा था। और मुझे इसका जो ये प्रिंट है, कलरफुल जो इसका प्रिंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिट भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपका थोड़ा बहुत टमी भी है तो वो पेप्लम टॉप से कवर हो जाता है। सो इस चीज़ के लिए मुझे पेप्लम टॉप्स बहुत पसंद आते हैं। और मटेरियल भी इसका ऐसा है, ज़्यादा इसमें गर्मी वर्मी नहीं फील होती, पॉलिएस्टर नहीं है, ये क्रेप है। सो काफ़ी प्यारा मुझे टॉप लगा। और 222 में, बस 222 में इतना प्रिटी टॉप, आई रियली लव इट। और तो गाइस, ये है इस हॉल का सेकंड टॉप। देखिए कितना प्यारा ये है। बेसिकली ये कुर्ती टाइप है, शॉर्ट कुर्ती जैसे आप बोलते हैं। अभी समर में ना ये सब बहुत, कलर भी बहुत समरिश है। और इस टाइप की जो कुर्ती होती है, शॉर्ट कुर्ती, वो जीन्स वगैरह के साथ बहुत प्रिटी लगती हैं। और इस वक्त तो बहुत ट्रेंड में भी है सब। और इसकी स्लीव्स पे यहाँ पे गोटा पट्टी ऐसे लगा हुआ है, सो इसको काफ़ी प्यारा लुक देते हैं। ग्रीन के साथ ये सिल्वर बहुत प्यारा लग रहा है। और ये कॉटन है, प्योर कॉटन है। और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हो ना, मैंने इसको धो भी दिया है। अभी मैं इसको भी 2 बार पहन चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसको नॉर्मल मैंने ब्लैक जीन्स के साथ कैरी किया था, काफ़ी प्रिटी ये लग रहा था। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो 250 रुपये में मैंने इसको लिया था, यानी 250 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। सो डोंट यू थिंक इट्स वेरी अफोर्ड। और गाइस, इसमें जो मेरा साइज़ था वो मीडियम है, मेरा साइज़ बेसिकली मीडियम। तो ये है थर्ड टॉप जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस हॉल का। टी शर्ट है ये, ओवर साइज टीज आजकल बहुत ही इन है। और ये भी ऐसी ही एक टी शर्ट है, इस पर लिखा भी काफ़ी अच्छा है, स्टे ग्रूवी, स्टे ग्रूवी। देखिए कितनी प्रिटी है। और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है, ऑरेंज कलर। और पता है क्या, ये वाली टी शर्ट ना मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स को पहने देखा। एक्चुअली जब मैंने ली थी मैंने किसी को भी नहीं देखा था, बट रिसेंटली मैं इतने सारे लोग को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार गलत ले लिया, बहुत ज़्यादा लोग के पास है। तो मतलब काफ़ी ये ट्रेंड में है टी शर्ट। और इसको स्टाइल करके भी बहुत प्यारी लगती है। आप गोल्ड चेन डाल लीजिए एक छोटा सा, और डेनिम्स डाल लीजिए ब्लैक डेनिम के साथ, बहुत अच्छी लगेगी। छोटा क्यूट सा एक पर्स ले लीजिए और स्पोर्ट शूज़ डाल लीजिए। प्राइस है वो मैंने लिया था 315। आई गेस अभी ये शायद 345 अराउंड हो गया है, आप चेक कर लेना। 15-20 रुपये तो इधर उधर चलता है। अभी ओवर साइज टी शर्ट्स की बात चल रही है तो मैं एक और ओवर साइज टी शर्ट आपको दिखाना चाहती हूँ। वो है ये पर्पल कलर की टी शर्ट, ये भी एक ओवर साइज टी शर्ट है। और ये वाला कलर तो आई गेस हर किसी को ही पसंद होता है। सो मेरा भी बड़ा मन था ये वाला कलर ट्राई करने का। और ओवर साइज टी शर्ट तो मुझे वैसे ही चाहिए थी ट्राई करने के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत जेन्युइन है, 238, बस इतने की मुझे मिली है मीशो से। और जो इसका मटेरियल है वो प्योर कॉटन है, बहुत ही कंफर्टेबल सी ये टी शर्ट है। मैंने इसको भी एक बार पहन लिया है और बहुत ही मुझे कंफर्टेबल फील हुआ। और ऐसी टी शर्ट्स में ना स्टाइलिंग बहुत ही अच्छी होती है और आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। आप इसको डेनिम्स शॉर्ट्स किसी के साथ भी डाल सकते हो, इनफैक्ट स्कर्ट के साथ भी डाल सकते हो। ऑल्दो मेरे पास अभी डेनिम की स्कर्ट नहीं है, तो मैं डेनिम स्कर्ट खरीदूंगी ना तब कभी इसके साथ शॉर्ट भी बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो 238 में यार बहुत अच्छी डील है, आप भी इस टी शर्ट को ले सकते हो, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो गाइज, अब मैं इस हॉल की आपको लास्ट टॉप या शर्ट बोल लीजिए, एक्चुअली ये शर्ट है, शर्ट दिखाने वाली हूँ। ये देखिए एक ग्रीन कलर की, ऑलिव ग्रीन कलर की शर्ट है। ऑलिव ग्रीन कलर किसे नहीं पसंद होता, सबको पसंद होता है, बहुत प्यारा रफ एंड टफ टाइप का लुक देता है। और ओवर साइज, ये भी पता है एक्चुअली मैंने इस बार साइज़ के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया। ये शर्ट मैंने लार्ज साइज़ में ली है, मुझे थोड़ी लूज़ है, थोड़ी क्या काफ़ी लूज़ है एक्चुअली। मुझे बड़ी साइज़ की टी शर्ट चाहिए थी, थोड़ी लार्ज, क्योंकि वो सब स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है। आप अपने ड्रेस के ऊपर डाल लीजिए या उसके नीचे क्रॉप टॉप डाल लीजिए, सब स्टाइलिंग के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और इसको ओपन करके नीचे ब्रालेट पहन लो किसी भी प्लाजो के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्टाइल किया। मैंने एक प्लाजो पहना, उसके नीचे इसके नीचे एक ब्रालेट डाला और नेक पीस डाला, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे स्टाइल पर्सनली बहुत पसंद आया और इसका जो मटेरियल है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब देखने में आपको ऐसे शाइनी शाइनी लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये है कॉटन। देखने में उसका लुक इस तरीके का है और कलर भी इतना सूदिंग है, ये मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई। सो मुझे ये शर्ट, मतलब इस हॉल की सबसे मेरी फेवरेट जो कपड़ा है वो ये शर्ट। और इस शर्ट का जो प्राइस था वो 253 रुपीज़ है ना, ये भी कितने अफोर्ड। तो गाइज, इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड में। यही था मेरे इस हॉल में सारे टॉप टी शर्ट्स जो मैंने रिसेंटली खरीदे। आई होप आपको पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। लाइक देना यार फ्री होता है, लाइक दे दिया करो, ठीक है। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, हो सकता है ये वीडियो उनके भी काम आ जाए, उनको भी शॉपिंग। और अगर गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते, बाय बाय।